तो बिग बैश लीग में कल को जो 50वां मुकाबला खेला जाना उसका पिच रिपोर्ट, मौसम की जानकारी, ड्रीम 11 टीम के लिए बल्लेबाज, ड्रीम 11 टीम के लिए गेंदबाज, मैच प्रेडिक्शन और पॉसिबल प्लेइंग 11 दोनों टीमों की, सारा कुछ लिख रहे हैं आपके लिए इस वीडियो में। क्रिकेट की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक स्टार और हिट करें नोटिफिकेशन बेल को। आगे बढ़ने से पहले आपको एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह पर प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना। तो ये मुकाबला खेला जाएगा होबर्ट हरिकेन्स और सिडनी थंडर टीम के बीच, और ये मुकाबला 24 जनवरी को यानी कि कल को बेलरिव ओवल होबर्ट क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, और ये मुकाबला इंडियन समय के अनुसार दोपहर 12:40 पर शुरू हो जाएगा। इससे पहले इस ग्राउंड पे बिग बैश लीग 2019 सीजन के यानी कि सीजन के 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 मुकाबले जीती, पहले गेंदबाजी करने वाली टीम 1 मुकाबला जीती। और अगर बात करें पेस पर स्पिन की तो यहां पर तेज गेंदबाजों ने 29 विकेट चटकाए, स्ट्राइक रेट 14.34, इकॉनमी रेट 8.35, स्पिनर गेंदबाजों ने यहां पर 12 विकेट चटकाए, स्ट्राइक रेट 23.08, इकॉनमी रेट 7.67। यहां पर अगर देखें तो विकेटें ज्यादा ली है तेज गेंदबाजों ने, स्ट्राइक रेट के मामले में भी तेज गेंदबाज बहुत बेहतर है स्पिनर गेंदबाजों से, और इकॉनमी रेट के मामले में अगर देखा जाए तो वहां पर स्पिनर गेंदबाज बेहतर है। ओवरऑल अगर देखें तो यहां पर तेज गेंदबाजों को ज्यादा हेल्प मिलती है और स्पिनर गेंदबाजों को कम हेल्प मिलती है। और अगर बात करें एवरेज स्कोर की तो यहां पर एवरेज स्कोर है 161 रन, सबसे बड़ा स्कोर बना 212 रन, सबसे कम स्कोर बना 98 रन, सबसे बड़ा चेस हुआ 147 रन, सबसे कम स्कोर डिफेंड हुआ 175 रन। और अगर बात करें पावर प्ले की आंकड़ों की तो पावर प्ले में इस ग्राउंड पे एवरेज स्कोर है 44 रन, 9 विकेट गिरे हैं, तो मतलब साफ है कि इस ग्राउंड पे पावर प्ले में रन तो बनते हैं लेकिन उसके साथ में विकेट भी गिरते हैं। और अगर बात करें बाउंड्रीज के बारे में तो यहां पर स्ट्रेट और बैकवर्ड बाउंड्री 65 यार्ड की है और साइड बाउंड्री दोनों साइड पे 68 यार्ड की है। और अब बात करते हैं मौसम के बारे में, तो मैच के दिन मौसम रहेगा 20 डिग्री से लेकर 14 डिग्री तक, क्लाउडी रहेगा लेकिन बारिश नहीं होगी। और अब बात करते हैं टीम्स के बारे में, तो होबर्ट हरिकेन्स टीम पॉइंट टेबल में नंबर 7 पे है, उसने 12 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले जीते हैं, 7 मुकाबले हारे हैं और 1 मुकाबला बेनतीजा रहा है। वहीं दूसरी ओर सिडनी थंडर टीम पॉइंट टेबल में नंबर 5 पे है, उसने 12 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले हारे हैं और 1 मुकाबला बेनतीजा रहा है। और इन दोनों टीमों के बीच बिग बैश लीग 2019 सीजन में 1 मुकाबला खेला जा चुका है और उस मुकाबले में सिडनी थंडर टीम को जीत मिली थी। और अब आपको दिखाते हैं होबर्ट हरिकेन्स टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं मैथ्यू वेड है कप्तान और बेन मैकडरमॉट है विकेट कीपर और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं सिडनी थंडर टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं कॉलम फर्गुसन है कप्तान और जे लिंटन है विकेट कीपर और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म बल्लेबाज, एलेक्स हेड्स 339 रन, एलेक्स रोज 239 रन, मैथ्यू वेड 151 रन। और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म गेंदबाज, डैनियल सैम्स 20 विकेट, क्रिस मॉरिस 14 विकेट, क्वैद अहमद 12 विकेट। और अब आपको दिखाते हैं पावर हिटर, क्लाइव रोज इनका स्ट्राइक रेट है 176.60। तो ये थे इनफॉर्म बल्लेबाज, इनफॉर्म गेंदबाज और पावर हिटर ड्रीम 11 टीम के लिए। और अब ये मैच प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है ये मुकाबला सिडनी थंडर टीम जीतेगी। तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।